दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि कैसे आप एक बुरे रियल स्टेट एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एक बैड रियल स्टेट एजेंट को आप कैसे पहचानेंगे, एक रॉन्ग रियल स्टेट एजेंट को कैसे पहचानेंगे, क्या चीजों का ध्यान रखें जिससे आपको ये पता चले कि जिस एजेंट के साथ आप काम कर रहे हैं वो सही व्यक्ति है या नहीं, क्या लॉन्ग टर्म आप जो अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने वाले उसके कहने पर वो सही जगह जा रही है या नहीं, बहुत सारी चीजों को देखने के लिए कुछ टॉप सीक्रेट्स हम आपको बताने वाले जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, एजेंट से रिलेटेड किन बातों पे ध्यान रखना है। इससे पहले हम आपको डिटेल में बता चुके हैं कि अगर आपको बिल्डर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो एक सही बिल्डर को कैसे पहचाने और एक रॉन्ग या गलत बिल्डर को कैसे पहचाने, ये वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज में बायर अवेयरनेस सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स है, जो बायर्स है, जो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्हें ये पता चले कि सही कंपनी को, सही बिल्डर, डेवलपर, एजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट, मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करके, बहुत सारे लोगों से बात करके, बहुत सारे क्लाइंट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, इन्वेस्टर से बात करके ये सब कंटेंट आपके लिए लेकर आई है कि उनके पुराने एक्सपीरियंसेस में उन्होंने क्या फील किया, क्या चीजें थी जो उनके लिए बहुत अच्छी थी, जो उन्होंने जब की तो उसका उन्हें बहुत बेनिफिट मिला, चाहे एजेंट से रिलेटेड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। तो वही कुछ पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, अगर आप कोई गलत एजेंट या बुरे एजेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसमें एक चीज आप गौर कर सकते हैं, वो है उसका शो ऑफ एंड बैड हैबिट्स। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा आपके सामने एज एन एजेंट शो ऑफ कर रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने बहुत लाखों करोड़ों रियल एस्टेट से बनाए हैं, आप ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो अगर कुछ बैड हैबिट्स आपको उसके अंदर दिखाई दे रही है, जो आपको उसके बिहेवियर से, उसके बातों से, बहुत सारी चीजों का आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर किसी भी तरह की बैड हैबिट्स दिख रही है, ओवर शो अप आपको एजेंट के अंदर दिख रहा है, तो भी ये एक इंडिकेशन है, थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए, उसके द्वारा दिखाई गई प्रॉपर्टी को डबल चेक कीजिए और फिर ही डिसीजन में आगे बढ़िए। बायर अवेयरनेस सीरीज से रिलेटेड सेकंड पॉइंट कि एक गलत रियल एस्टेट एजेंट, एक बुरे एजेंट को अगर आपको पहचानना है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, नो प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्रोडक्ट वो आपको दिखा रहा है एज एन एजेंट, चाहे वो किसी बिल्डर का अपार्टमेंट हो, चाहे कोई टाउनशिप हो, चाहे शॉप हो, चाहे किसी भी तरह का कोई रियल एस्टेट का प्रोडक्ट हो, रीसेल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, क्या उसे उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज है, क्या उसे उसके आसपास के एरिया के डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज है, क्या उसे आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने हो सकते हैं अगले 2-5 साल में उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, या वो कोई ऐसा डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हो जो किसी भी तरह से आपको रिलेवेंट या लॉजिकल नहीं लग रही हो। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप सही एजेंट के साथ काम कर रहे हैं, सही रियल एस्टेट एडवाइजर के साथ है या गलत के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट होता है एक बिल्डर को आइडेंटिफाई करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक सही एजेंट को चुन पाना। और दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, भले ही वीडियो को स्टॉप कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। हमारे चैनल पे ऑलरेडी 50 रियल एस्टेट सीईओज के इंटरव्यूज है जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो ऐसे इंटरव्यूज को हम नहीं चाहते आप मिस करें, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। पॉइंट नंबर 3, वेरी पुअर पास्ट वर्क ट्रैक रिकॉर्ड। अगर उस एजेंट के बारे में आपने थोड़ा सा पता किया, उसी से पूछा, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को थोड़ा सा वेरीफाई किया और आपको पता चला कि उसके पास जो क्लाइंट है वो भी बहुत परेशान है, उनपे समय पे पोजीशन नहीं मिला, सही प्रॉपर्टी नहीं मिली, समय पे रजिस्ट्री नहीं हो रही, जो ओनर के साथ डील हुई थी वो डील कंप्लीट नहीं हो रही, ऐसे कोई भी चीजें अगर आपको देखने समझने के लिए मिले, और देखो जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल है, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अगर कोई भी व्यक्ति को थोड़ा भी रियल एस्टेट का नॉलेज हो तो वो ये समझ जाएगा कि जितने पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो कितने डे टू डे एक्टिविटी और प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल ऑफ एन एजेंट, बिल्डर, डेवलपर, इन्वेस्टर, इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके साथ जितने भी क्लाइंट्स के साथ उस एजेंट ने पहले डील किया, क्या उनके भी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, क्या उन्हें सही प्रॉपर्टीज मिली है, क्या उन्हें अच्छी ग्रोथ मिली है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, टोनिंग एंड बिहेवियर। दोस्तों ये चीजें देखने में आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाने पड़ेंगे, आपको बात करते समय चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी टोनिंग कैसी है, क्या वो सॉफ्ट स्पोकन है, क्या आपसे ठीक से बात कर रहा है, क्या आपकी चीजों को, आपकी क्वेरीज को ठीक से आंसर कर रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर रूड है या एरोगेंट है, ये सब चीजों पे भी ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। और उसका बिहेवियर कैसा है, और बिहेवियर सिर्फ आपके साथ ही नहीं, क्योंकि आपके साथ तो वो अच्छा बिहेव करेगा क्योंकि आपकी डील होने पर उसे पैसे मिलने वाले, और उस डील के दौरान वो बाकी लोगों से कैसे बात कर रहा है, उसे जो फोन कॉल आ रहा है उस पे वो कैसे एड्रेस कर रहा है, ये सब बारीक बारीक चीजें हैं। अगर आप ये सब भी ध्यान रखते हो तो आप पहचान पाएंगे कि बहुत अच्छा एजेंट है, कम अच्छा एजेंट है या बुरा एजेंट है, ये सब डिफरेंशिएटर आपको पता चल जाएंगे और तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की बहुत मेहनत की कमाई एक इन्वेस्टमेंट के रूप में किसी भी फ्लैट में, प्लॉट में, ऑफिस में, किसी भी लैंड में लगाने वाले हैं। तो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी टोनिंग और उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कीजिए, और बिहेवियर हर व्यक्ति के साथ, जितने भी बार आपके मीटिंग हुआ उस दौरान वो कैसे बाकी लोगों से बात कर रहा है, कलीग से, उसके ऑफिस में काम करने वाले प्यून से कैसा इंटरेक्शन, अगर आपने उसके ऑफिस भी विजिट किया है तो आप सब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5,
नो सर्टिफिकेशन एंड लीगल कंप्लायंसेस। अब आप भी जानते हैं कि रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है बिल्डर के लिए भी, एजेंट्स के लिए भी, तो क्या वो रेरा सर्टिफाइड है, क्या लोकल कंप्लायंसेस कंप्लीट है, नहीं भी है तो क्या जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसके पास रेरा का सर्टिफिकेट है, क्या लोकल कंप्लायंसेस है, ये सब भी चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के जमाने में ये भी कंपलसरी हो गया कि बिल्डर को उस एजेंट का भी नाम डालना है वेबसाइट पे जो रेरा सर्टिफाइड एजेंट उसके साथ काम कर रहा है। इससे आप सेफ हो जाते हैं एक बायर के तहत, एक इन्वेस्टर की तरह आपको ये सब डिटेल रियल एस्टेट का पता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर इतने डीपर सीक्रेट लोगों को बताने की जरूरत क्या। देखिए दोस्तों, हमारा मिशन बहुत क्लियर है, भारत में आने वाले समय में 1,00,000 अच्छे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर अगले 10 साल में हम ट्रेन करें, कोच करें, एम्पावर करें, जिससे लोगों को सही प्रोडक्ट सही कॉस्ट में मिले, ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑनेस्टी रहे। और अगर वो लोग 50 लोगों को भी जॉब दे पाते हैं, 100 लोगों को भी, तो भारत में 50,00,000 से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं अगले 10 साल में। इसी मिशन के साथ हमने ये चैलेंज शुरू किया, इसी मिशन के साथ हम अलग अलग प्रोग्राम, सेल्स एंड गेम चेंजर चैंपियन ट्रेनिंग, सीईओ कोचिंग सिस्टम ट्रेनिंग, ये सब रन करते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिए, इसे लिखिए, जब भी आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेने जाए किसी भी एजेंट के अंदर ये चीज़ों को देखिए। और अगर आप एक एजेंट और आपको ये सब चीज़ें नहीं आती, आप इस पर ध्यान नहीं रखते और आप एक रियल एस्टेट गेम चेंजर एजेंट बनना चाहते हैं, तो भी आप हमारे वोटलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके RGC चैंपियन ट्रेनिंग, जिसमें हम गेम चेंजर रियल एस्टेट एजेंट्स को अक्रॉस कंट्रीज अक्रॉस सिटीज ट्रेन कर रहे हैं, वो प्रोग्राम के बारे में भी बता कर सकते। अभी तक अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट में बताइए कि आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे। दूसरा, अगर आप किसी और टॉपिक पे हमारी वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने वीडियोस को लाइक किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर बहुत प्रैक्टिकल लगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।